हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो देखिए, आज का वीडियो भी रीट से ही संबंधित है और रीट भर्ती परीक्षा की जो तिथि है वह भी घोषित कर दी गई है। कल हमने ये देखा था, जो कल की न्यूज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि बजट में ये निर्धारित किया गया है कि आपका एग्ज़ाम जो है रीट का जुलाई में होगा। तो अब जो ये प्रेस नोट आया है, जो कि कई बच्चों ने देख भी लिया होगा, कि 23 या 24 जुलाई को आप लोगों का रीट का एग्ज़ाम कराया जाएगा। ठीक है, तो इसी बारे में जो है वो मैं अब बात करने वाली हूँ कि कैसे जो है वो मेरिट का निर्धारण होगा, परीक्षा जो है वो एक ही होगी या दो होगी। तो सबसे पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए और प्रेस कर लीजिए बेल बटन को, ताकि आपको कोई भी न्यूज़ होती है आपके एग्ज़ाम के लिए तो वो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें आपको पहले ही पता लग चुकी हैं। 23 या 24 जुलाई को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है वह आयोजित करवाएगी आपका ये एग्ज़ाम, और जो जुलाई में परीक्षा होगी वो एक पात्रता परीक्षा होगी। पात्रता परीक्षा का क्या अर्थ है कि इसमें केवल और केवल आपको पास होना है। 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें से आपको 90 नंबर लाने हैं। 60% मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए, तभी आप सेकंड पेपर में बैठ सकते हो। तो कई बच्चों ने सी टेट का एग्ज़ाम दिया होगा, तो उसमें भी हम देखते हैं कि वह एक पात्रता परीक्षा है। उसमें जो भी बच्चे जो है क्वालिफाई कर लेते हैं सी टेट को, उसके बाद वह एलिजिबल हो जाते हैं केंद्रीय विद्यालय के एग्ज़ाम के लिए, नवोदय एग्ज़ाम के लिए, DSSB के एग्ज़ाम के लिए। तो वही बात है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जो हैं रीट का एग्ज़ाम जैसे ही क्लियर कर लेते हो तो सेकंड पेपर देने के लिए आप रेडी हो जाओगे, तभी आप बैठ सकते हो। तो एक बात तो ये आप बहुत अच्छे से माइंड में बैठा लीजिए कि 90 मार्क्स का मतलब ये नहीं है कि अब आपका टारगेट यही रहेगा कि हम केवल 150 में से 90 मार्क्स ही लाएंगे। बिल्कुल भी नहीं सोचना है, जो भी ऐसा सोचेंगे सबसे बड़ी गलती कर देंगे। 150 में से 130 प्लस मार्क्स जो हैं वो आपको लाने हैं, यही सोचकर चलना है। उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, कई बच्चे सोच रहे होंगे इतनी मेहनत की ज़रूरत क्या है जब हम 90 में ही पास हो जाएंगे। अब देखिए, जो SST के बच्चे हैं उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा यदि वो यहाँ पर टारगेट लेके चलेंगे 150 में से 130, क्योंकि जो उनका एग्ज़ाम होगा उसमें आपका ये सब कुछ पढ़ा हुआ शामिल होगा। जो आपका सेकंड पेपर आपका लिया जाएगा उसमें सब कुछ पढ़ा हुआ शामिल होगा। और आधे बच्चे तो यही करेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट पेपर में 90 मार्क्स लाने के लिए उतनी ही तैयारी करेंगे, दोबारा सेकंड पेपर में उन लोगों को परेशानी आएगी। ठीक है, और देखिए, हर बार जो भी सिचुएशन रहती है, समय बहुत खराब हो ही जाता है। ऐसे में खुद का समय जो है वो खुद खराब ना करें। तो यही मेरा जो है वो आप लोगों से कहना है कि आपका जो एग्ज़ाम है वह भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आयोजित कराएगा। तो इन्हीं की जो बुक्स होती हैं, RBSC की जो बुक्स होती हैं, आप लोग इनको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से, इस तरीके से घोट कर पी लीजिए। इनकी जो क्वेश्चन आंसर सीरीज जो हमारे चैनल के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, जो भी बच्चे परचेज कर रहे हैं, इतने अच्छे से रट लीजिए कि आपके जो आपकी पात्रता परीक्षा होगी इसमें अच्छे मार्क्स आएंगे ही। इसके अलावा सेकंड पेपर में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये सोचकर ही आपको जो है तैयारी करनी है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं सोचेगा कि हम 90 नंबर ही लेकर आएंगे, इससे आप सबसे बड़ा लॉस जो है वह है उठाएंगे। तो यहाँ पर प्रेस नोट देख लीजिए, शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने बताया कि आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने बजट भाषण में, कल की बात है ये, रीट परीक्षा जुलाई 2022 में कराए जाने की घोषणा की है। उसी क्रम में रीट परीक्षा जो कि केवल पात्रता परीक्षा होगी। ठीक है, अब यहाँ एक जो क्वेश्चन था सभी का,
कि क्या होगा, दो पेपर होंगे या एक पेपर होंगे। तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है कि रीट परीक्षा जो कि केवल पात्रता परीक्षा होगी, इसमें पास होना जरूरी है, उसके बाद दूसरा पेपर होगा। यह पेपर जो है वो 23 या 24 जुलाई को हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा इसे आयोजित करवाया जाएगा। अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 के कुल 62,000 पदों पर भर्ती की जानी है, ठीक है। तो 62,000 पद हैं, जिसमें से लेवल 1 के 15,500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। जो 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ, तो वही लेवल 1 की जो परीक्षा रद्द नहीं हुई है, तो वो इसी में शामिल हैं, 15,500, ठीक है। तो ये 15,500 जो कि भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है, रद्द नहीं हुई है, और कुल 46,500 नए पदों के लिए जो ये भर्ती प्रक्रिया होगी, जिसमें लेवल टू को की जो रद्द हुई रीट परीक्षा के अभ्यर्थियों से पुनः आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। रीट परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की पुनः प्रतियोगी परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। जो भी बच्चे रीट में पास होंगे, उनका ही दोबारा जो है प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो भीड़ जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। आप ये सोचिए, सेकंड पेपर जैसे ही होगा, तो वहाँ केवल और केवल वही बच्चे जो हैं उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, जिन्होंने बहुत ही डीप में जाकर RBSE की बुकों को बहुत अच्छे से घोट कर जो है वह पी लिया है, ठीक है। इसके अलावा जो है आप लोगों का सेकंड पेपर में करंट अफेयर भी आएगा, राजस्थान का जी के जो है वो भरपूर मात्रा में आएगा। साइकोलॉजी आपकी वही पूछी जाती है, थोड़ा सा बढ़कर पूछी जाएगी। उक्त प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर ही सफल अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो ये बात आपको स्पष्ट हो गई कि एक तो दो परीक्षाएं आपकी होंगी, ठीक है, और पद कितने हैं, 46,500, ठीक है। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही इसमें शामिल हैं, जिसमें लेवल 2 के पद जो हैं वह कितने हैं, 31,500, और लेवल 1 के 15,000, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। तैयारी जो है, जो भी आप बच्चे जो फर्स्ट ग्रेड की सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, हाँ, एक बात और है कि कई बच्चे बोल रहे थे, मैम इस बजट में जो है सेकंड ग्रेड की तो बात ही नहीं हुई है। देखिए, जो 1 लाख भर्ती की बात सरकार ने की है इन 62,000 के अलावा, तो वो 1 लाख भर्ती में सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सब आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए। और मेरा तो ये मानना है, जो फर्स्ट ग्रेड की अभी तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की ही करिए। और क्योंकि उन्होंने अभी ही एग्ज़ाम दिया था, और जो रीट पात्रता परीक्षा है उसे वो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, 1 या 1.5 महीने की आप लोगों को रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सेकंड ग्रेड के जो भी बच्चे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी करते रहिए। बिल्कुल भी ऐसे मत सोचिए कि जो है रीट आने वाली है, अब हम इसको छोड़ दें। छोड़ना नहीं है, छोड़ने की गलती जो है वो बिल्कुल ना करिएगा। सेकंड ग्रेड की ही तैयारी जो है वो, जो भी बच्चा सेकंड ग्रेड की कर रहा है, वो रीट का पेपर तो बहुत आसानी से निकाल देगा, सेकंड पेपर भी बहुत आसानी से निकाल देगा। यही लाइनें मैंने पहले भी आप लोगों को बताई है। जो भी बच्चा सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है और वो SST का बच्चा है, तो ये बात समझिए, जो सेकंड ग्रेड का पेपर 1 जो है वो आपका हूबहू आपके जो प्रतियोगी परीक्षा होगी रीट के बाद, बिल्कुल उसके जैसा ही आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। और देखिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आपको हर बार यही बोलती हूँ, फर्स्ट ग्रेड करिए, सेकंड ग्रेड करिए, रीट करिए, उसके बाद जो प्रतियोगी परीक्षा ली जाएगी उसको करिए। चाहे आप RAS का करिए, RBSE की बुक्स आपको 6 से 10 तक की तो आपको थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए पक्का पक्का पढ़ लेनी है, बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है, यदि आप सच में एग्ज़ाम को एक बार में ही क्लियर करना चाहते हो। अभी भी देखिए, लास्ट ईयर बच्चों ने जो है 6 से 10 तक ही इतने अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया, तो आप लोगों ने साथ में ही क्वेश्चन आंसर सीरीज कर ली थी, तो उन सभी मेहनती बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आए, 130+ मार्क्स बहुत लोगों के आए, ठीक है। अब रीट रद्द हुई है तो ये दूसरा कारण है कि वो क्यों रद्द हुई है। वो उन बच्चों की वजह से रद्द हुई है जिन्होंने क्या किया था, रीट का एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर था वो खरीदा था, वो दूसरी बात है।
लेकिन यहाँ मेहनती बच्चों की बात कर रही हूँ जिन्होंने 6 से 10 तक की इतने अच्छे तरीके से कर ली थी और उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे आए थे। तो देखिए मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है, वही मेहनत आपकी जो है वो अब काम में आने वाली है। तो चलिए इसी तरीके से जो मुझे आप लोगों को बताना था कि आपका एग्ज़ाम जो है वह 23-24 जुलाई को होगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आयोजित करा रहा है, तो ध्यान रखिए कि बुक्स जो हैं वो आपकी RBSC की बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कई बच्चे पूछते हैं RBSC पढ़ें या NCERT पढ़ें। RBSC जैसे ही आप लोग पढ़ लेते हैं, NCERT आपके सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। NCERT में सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट है, जितने भी फैक्ट हैं वो आपके RBSC में हैं। यहाँ पर राजस्थान में जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पर फैक्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप RBSC की बुक्स को इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। मेरा तो मानना ये है कि RBSC आप पढ़ लो, उसके बाद जैसे ही NCERT आप पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं जो कि 20% है, ठीक है। यदि RBSC में देखें हम, तो वहाँ पर हमें जो भी एग्ज़ाम के लिए नॉलेज होती है वो 100% मिलती है, वहीं NCERT में केवल 20% मिलेगी आपको। वहाँ पर आपको फैक्ट ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन NCERT के साथ में जो हमारा राजस्थान बुक चल रही है वो तो आपको पढ़नी ही है। RBSC की बुक जो है वो बिल्कुल आपको अभी पढ़नी ही पड़ेगी यदि आप एग्ज़ाम जो है वह क्वालिफाई करना चाहते हो। तो आप लोग जहाँ से भी तैयारी कर रहे हो, तैयारी अपनी रेगुलर रही रखिए, क्योंकि एकदम जो है कोई भी चीज़ इतने आसान तरीके से लर्न भी नहीं होती है, समझ में भी नहीं आती है, ठीक है। और जो भी तैयारी आप कर रहे हो फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, तो उसको साथ में ही चालू रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।